वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न, आवाम की मुश्किलात खत्म होने की उम्मीदें रोशन। दिसंबर 2019 के मुकाबले में 20 के दौरान महंगाई में नुमाया कमी, महंगाई की शरह 12.6 से कम होकर 7.9 हो गई। टैक्स वसूली और बरामदात के साथ तहसीलात के ज़र 2 अरब डॉलर महाना ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर से तजावज कर गए। हुक्मरानों ने हमारा सब कुछ छीन लिया, हम खामोश रहे। कराची अब खामोश नहीं रहेगा। मुस्तफा कमाल का कराची में पाक सरजमीन पार्टी की रैली से खिताब, कहा कराची वालों ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया जो हुकूमत का सौदा करते थे अपनी करप्शन छुपाने के लिए। एमकेएम हुकूमत का साथ दे रही है। कराची के अवाम ने भी इमरान खान को मैंडेट दिया था। इमरान खान की हुकूमत ने 2.5 साल में कुछ ना किया। मुल्क में मुतनाज़ मर्दम शुमारी हुई, उसे जायज करार ना दो। कराची की आबादी 3 करोड़ से कम नहीं, नतीजे तस्लीम नहीं करते। इस मर्दम शुमारी को जायज मान लिया तो आइंदा सबको जायज माना जाएगा। कराची में बल्दिया टाउन यूसुफ टोच के करीब पुलिस मुकाबला, डाकू के फायरिंग से पुलिस सरकार जख्मी। कांस्टेबल नादिर मकसी सैदाबाद थाने में तैनात है, डाकू मौके से फरार होने में कामयाब। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 45 मरीज जान बहक, अमवात की तादाद 10,951 हो गई। 2,521 नए केस रिपोर्ट, फाल केसेस की तादाद 34,701 हो गई।